निश्चित रूप से शिवसेना को होना चाहिए था, इस पे हाँ कदम उठाने चाहिए थे। उस हिसाब से कांग्रेस भी एक प्रकार से परिधि पे खड़ी है, बाउंड्री पे खड़ी है, और हाँ एनसीपी भी बाउंड्री पे खड़ी है, यद्यपि हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं उद्धव ठाकरे जी के गुट को। लेकिन इसके बावजूद जो मैंने आपको बताया, गंदी राजनीति, उसको आप छुपा नहीं सकते, बीजेपी उसको अवॉइड नहीं कर सकती। बार बार ये नहीं कह सकते कि हम तो अनभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ हैं। जहां तक दल बदल कानून का सवाल है, वहां भी मैं आपको बता दूं कि दल बदल कानून में निश्चित रूप से 100% ये निष्कासित होने के लिए लायबल हैं। कैसे? लेकिन हम जानते हैं कि दल बदल कानून में एक कंप्लेंट होनी पड़ेगी, एक नोटिस जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अगर अगर पूरा 37 का नंबर नहीं हुआ तो, मैं उस बात की बात कर रहा हूं, अगर वो क्रॉस कर गए तो बिल्कुल दल बदल कानून तो अप्लाई नहीं फोटो है करता। सर, सामने लेकिन फोटो अगर हम वो दिखा रहे क्रॉस, हैं जी। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, अगर वो क्रॉस नहीं भी करते हैं तो भी हमारी कानूनी प्रक्रिया में एक कंप्लेंट होनी पड़ती है। उसके बाद माननीय स्पीकर को नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद सुनवाई करनी पड़ती है, तब तक तो ये खेल बदल जाता है। ये दरअसल कानून का बहुत बड़ा एक कमजोरी है, ये मैं कह रहा हूं। अगर उनका वो फिगर हो गया 2/3 का, तब तो ये प्रश्न नहीं उठता। तीसरा, हम किस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं कानून में, ये भी हो सकता है। इस केस में ये हुआ है पहले कई बार, मैं खुद पेश हुआ हूं। आप कई लोग इस्तीफा दे दीजिए, 100 का आंकड़ा जो सामूहिक रूप से है एमएलए का, वो हो जाता है 75 का, पूरी हाउस का, सदन का साइज, उसमें आपका बहुमत बढ़ जाता है। और चुनाव के बाद आप वही लोगों को मंत्री बना दीजिए, 6 महीने बाद पुनर्निर्वाचित हो जाइए। तो ये सब खेल खिलवाड़ से मैं समझता हूं सही आपका चेहरा मालूम पड़ता है। ठीक है, जहां तक हालांकि आंकड़ों का सवाल है, ठीक है, अगर हो फोटो है जाते हैं सर, 37 से आगे फोटो तो फोटो है, 42 की तो फोटो भेजी है उन्होंने और उसमें वीडियो भी जारी किया है, फोटोज भी जारी किए हैं सर। 42 है, देखिए, गिनती हम दिखा रहे हैं। ये लेकिन अब मैं आपने सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछने वाली हूं सर, जी, और मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से उसका जवाब देंगे। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे को ऐसी स्थिति में इस्तीफा देना चाहिए? मैं नहीं समझता कि उद्धव ठाकरे ने एक भी चीज गलती की है अभी तक, सिवाय इसके कि उनको और उनकी पार्टी को पूर्वानुमान नहीं था। अगर जो भी असंतोष की डिग्री थी उसका, उद्धव ठाकरे इसमें किसी रूप से दोषारोपी नहीं हो सकते। इस्तीफा लेकिन क्या ये कमजोर दे नेतृत्व या ना नहीं दे, है? इस्तीफा ये कमजोर दे, नेतृत्व नहीं है सर कि आपका नंबर 2 ही आपके खिलाफ इतनी बड़ी म्यूटनी बुन रहा है और आपको एहसास तक नहीं है? आप सोचिए सर, कल जिस रविंद्र फाटक को भेजा था सूरत में मनाने के लिए, आज वो खुद ही गुवाहाटी में जाकर शिंदे गैंग में जुट गए। देखिए, ऐसा है, ऐसी बात नहीं है कि